नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। आज है 17 सितंबर, तो आज है विश्वकर्मा पूजा। तो बहुत लोग विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं और काफ़ी सारे पकवान बनाते हैं और मतलब भोग लगाते हैं। तो हम लोग जो कि विश्वकर्मा पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन अपने फैमिली के लिए अच्छा खाना बनाकर खिला सकते हैं और इस त्यौहार का आनंद ले सकते हैं। तो आज हम भी कई तरह का पकवान बनाएंगे और अपने फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। तो हमारे बच्चे जो कि आज स्कूल की छुट्टी भी है, तो चलते हैं, कई तरह का पकवान बनाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे आज के दिन मेला भी लगता है विश्वकर्मा पूजा के दिन, और लोहे की पूजा होती है। तो बड़ा खास दिन आज का दिन होता है, और इस दिन जो कि लोहे का औजार जो होता है बंद रहता है, यूज़ नहीं करते हैं लोग। तो अभी जो कि सुबह के 7:30 बज गए हैं, और इधर देखिए गए थे कुछ सामान लाने, तो लेके आ गए हैं, और बच्चे भी साथ में गए थे तो आ गए हैं, बच्चे भी साथ में इनके। तो इधर चूल्हे के पास आ गए हैं, और आपको बता दो कि आज हम क्या क्या बनाने वाले हैं विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर। तो यहाँ पे देखिए, हम प्याज के पकौड़े बनाएंगे और आलू के पकौड़े बनाएंगे। इधर देखिए, हमने चना रात में भिगो रखा था, तो चने की सब्ज़ी बनाएंगे और हलवा भी बनाएंगे। तो चलते हैं, फटाफट सभी चीज़ों को छील छल के रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे घर का देसी चना था, इसको मैंने रात भर भिगो दिया था अच्छे से, देखिए फूल गया है। अब इसको हम प्रेशर कुकर में उबालेंगे। तो इसको मैंने धो लिया साफ पानी से कई बार, अब इसको प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। चने को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया, अब इसमें डालते हैं पानी। पानी हम थोड़ा चने के ऊपर तक डालेंगे, बस इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से क्या होगा कि चने अच्छे से जो है मैसी मैसी हो जाएंगे, फूल जाएंगे अच्छे से। और यहाँ पर डाल देंगे नमक 1 चम्मच, हम स्वाद अनुसार डाल लेते हैं। बाकी हम मसालों भर डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए। और यहाँ पे देखिए, मैं एक आलू डाल रही हूँ इसका ग्रेवी गाढ़ा होने के लिए, तो यहाँ पे छोटा सा आलू डाल दे रही हूँ, अब इसको उबाल लेती हूँ। तो इधर देखिए, हमने पकौड़ा बनाने के लिए प्याज और आलू लिया है, तो हम आलू और प्याज दोनों का पकौड़ा बनाएंगे। सबसे पहले प्याज को बारीक काट लेते हैं, आलू को भी हम लंबे लंबे स्लाइसों में काटेंगे, क्योंकि आलू पकौड़ा हमारे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं प्याज के भी। आलू को देखिए इस तरीके से काटेंगे, आलू को हम पतले पतले स्लाइसों में काटेंगे, जब इसको बेसन में लपेट के तले तो आलू अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो इधर मैंने चूल्हे में इनको जला दिया और रख दिया है चना उबलने के लिए, उधर रखा है कढ़ाई, इस पर पकौड़े बनाएंगे। तो तेल हमने डाल दिया रिफाइंड तेल, तेल हमारा गर्म हो रहा है। इधर पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, हमने प्याज हरी मिर्च और धरा धनिया को ले लिया है, इसको एक साथ मिला देंगे इसी में। अब इसमें मिलाएंगे अजवाइन मसल कर हाथों, थोड़ा सा अजवाइन डालने से पकौड़ों का जो टेस्ट होता है बड़ा अच्छा आता है। यहाँ पर अजवाइन मैंने मसल के डाल दिया है, उसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर डालेंगे। उसमें डालेंगे देखिए बेसन, और इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। यहाँ पे हम लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आप डाल सकते हैं अगर आपको तीखा खाना पसंद हो तो, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे हमारे तीखा बहुत कम पसंद करते हैं। तो इसको बढ़िया से मिला लेंगे। तो तेल हमारा जो कि अच्छे से गर्म हो गया, और इधर देखिए जो कि पकौड़े का हमने मिक्सर तैयार किया था, हमने अच्छे से इसको मिला लिया। आप चलते हैं तेल में खोलते हैं पकौड़ी को बनाते हैं। तो इस तरीके देखिए डाल देते हैं खोट खोट कर हाथों से। अब इसको हम देखिए पलट देते हैं, पलटने के बाद इसको गोल्डन ब्राउन होने तक बढ़िया धीमी आंच में इसको पकौड़े को जो कि तल लेंगे। और चलते हैं अब आलू का पकौड़ा बनाने के लिए, यहाँ पे बेसन का घोल तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया, इसको डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, और डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया पत्ती को डाल देते हैं। और बढ़िया से इसको मिला लेंगे, मिलाने के बाद इसमें पानी डालकर बेसन का गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। इसमें पानी डालते हैं, तो पकौड़े को देखिए हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया, उसको थाली में निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे बेसन का घोल देखिए एकदम फूल कर रेडी हो गया। अब हम आलू के पकौड़े बना लेते हैं, तो इसमें आलू को डाल देते हैं, एक एक करके डिप करके डालेंगे। तो चना उबलने के बाद जो कि हमारा चूल्हे का खाली जा रहा था, देखिए उधर रख दिया कढ़ाई, पकौड़ा जो कि हमारा आलू का तला रहा है अभी, अच्छे से इसको लाल कर लेंगे। और इधर एक मैंने पैन चढ़ा दिया, सूजी का हलवा बनाएंगे। तो इसमें मैंने देसी घी घर का डाल दिया है, अब इसमें डाल देते हैं सूजी। सूजी को बढ़िया सा भूनेंगे हम देसी घी में। आलू के जो पकौड़े देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए, अच्छे से हमने पका लिया, अब इसको हम थाली में निकाल देते हैं। ऐसे ही बचे हुए आलू के पकौड़े और बना लेते हैं। और यहाँ पे जो मैं सूजी भूनी थी, देखिए उसको चूल्हे पर से उतारे ना, तो ये हमारा जो सूजी था जल जाता, इसलिए इसको वापस रख दे रही हूँ, और इसको बढ़िया से भून लेती हूँ।
सूजी को हमने यहाँ पे देखिए ब्राउन होने तक बढ़िया सा भून लिया है। अब इसमें डालते हैं दूध, ये हमारे घर का दूध हो जाएगा, इसको डाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है, देखिए उबाल भी आ रहा है। अब इसमें कटे हुए पंचमेवे डाल देते हैं। यहाँ पे पंचमेवे काफ़ी सारे लिए हैं तो इसको हम काटे हुए हैं बारीक एकदम, इसको डालते रहें। जो आपको अच्छा लगता है पंचमेवे में तो वही काट के इसमें डालिए हलवे में। अब इसको बढ़िया सा पका लेते हैं सूखने तक। तो हलवा देखिए हमारा पकते पकते काफ़ी सूखने लगा, तो इसमें हम मिठास अनुसार चीनी डाल देते हैं। दूध हमने काफ़ी सारा डाला है तो चीनी उसी के हिसाब से डालेंगे हम। तो आधा कटोरी हम चीनी डालेंगे इसमें। अब इसको बढ़िया चला लेते हैं। तो हलवा देखिए हमारा बन गया है, बढ़िया सूखा भी गया। अब इसको हम चूल्हे पर से उतार ले रहे हैं। तो इधर देखिए थोड़ा सा हमने गेहूं का आटा गूंथ के पहले से रख लिया था पूरी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को पूरी बड़ा पसंद है चने की सब्जी के साथ। तो यहाँ पे देखिए मेरा हलवा भी बन गया है और पकौड़ा जो था आलू का और प्याज का बना लिया। अब तो पूरी बेल के रख लेते हैं, पूरी भी हम तल लेंगे थोड़ा सा। पकौड़ी को तलने के बाद यहाँ पे देखिए पूरी भी तलना हमने शुरू कर दिया है। एक करके पूरी को तल लेते हैं, बढ़िया से लाल करके पका लेंगे, उसके बाद तेल में से निकालेंगे। ऐसी सारी पूरी बना लेते हैं तल तल के। पूरी तलने के बाद देखिए तेल हमने कम कर दिया है। अब इसमें हम चने की सब्जी बनाएंगे। तो तेल हमारा गर्म ही है तो इसमें आधा चम्मच हम जीरा डालेंगे, डाल देते हैं, तड़का लगाते हैं जीरे का। उसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको डाल देते हैं। इसमें डालते हैं कड़ी पत्ता। यहाँ पे देखिए सूखा साबुत लाल मिर्च भी, इसको भी डाल देते हैं तीन, और कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देते हैं। यहाँ पे तीन से चार मैंने काटा है हरी मिर्च, इसको डाल देंगे। बढ़िया सा भून लेते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को, देखिए थोड़ा सा भून लिया। अब इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज को, डाल देते हैं। अब प्याज भी बढ़िया से इसमें हम भून लेते हैं। प्याज को मैंने लाल रंग तक बढ़िया सा भून लिया है। अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर को, डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने चार पके हुए लाल टमाटर लिए थे, उसको हमने काट लिया। अब इसको इसमें डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद इसको हम चला देते हैं। चलाने के बाद इसमें हम नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर, बाकी सारे जो मसाले हैं वो सब डाल देंगे। तो टमाटर के साथ हमारा मसाला पक जाएगा और टमाटर भी हमारा गल जाएगा, सही डाल देते देख करके। सबसे पहले डालेंगे हम नमक। नमक हम चने उबालते समय डालेंगे, इसे थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें हम, आधा चम्मच डाल दे रहे हैं, बाकी टेस्ट करने के बाद डालेंगे। और आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा और डाल दे रहे हैं, और एक चम्मच डालेंगे गरम मसाला डाल देते हैं, आधा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इसको डाल दे रहे हैं। सब्जी को फिर चला देंगे। मसाला हमने डाल दिया है तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं कि मसाले जो हमारे जले ना, तो बाकी टमाटर से पानी से मसाला पक जाएगा। तो इसको हम थाली से ढक देंगे, बढ़िया टमाटर को गलने तक पका लेते हैं। थाली डाल कर देखते हैं कि हमारे टमाटर पके हैं, क्योंकि टमाटर भी हमारा काफ़ी अच्छा गल गया है, इसको चला दे रहे हैं, मसाले पक गए हैं। तो यहाँ पे देखिए चने के साथ मैंने एक आलू उबाला था, तो इसको हम इसी में डाल के मसल के डाल देंगे, क्योंकि मसल दे रहे हैं आलू को। इससे क्या हो, चने की जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी हो जाती है। तो आलू को हमने यहाँ पे देखिए अच्छे से मैश कर दिया है, मसल लिया है। अब जो चना हमारा उबला हुआ था, देखिए बेकिंग सोडा डाले, देखिए चना जो है मैसी मैसी रंग उबल गए हैं बढ़िया सा। अब इसको हम इसी में डाल दे रहे हैं, कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसको चला देंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम बढ़िया चला दे रहे हैं, इसी में हम थोड़ा सा चना भी मैश कर देंगे कलछुल की सहायता से। तो यहाँ पे देखिए आधा चम्मच मैंने चना मसाला लिया है, ऊपर से हम इसको डाल दे रहे हैं। डालने के बाद बढ़िया से इसको चला कर ढक देंगे, दो मिनट इसको और पका लेते हैं मसालों के साथ चने को अपने। हमारा चने का जो था वो भी पानी उबला हुआ था और सब कुछ पका हुआ है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको पकने में। तो दो मिनट से ज़्यादा हो गया है हमारा, जो कि चना सब्जी जो है पक गया है। निकाल लेते हैं किसी बर्तन में, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कलर आया है चने की सब्जी का। इसको चला दे रहे हैं, इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा चने की सब्जी जो कि बन गया है, इसमें डाल देते हैं धनिया की पत्तियों को, डाल देते हैं ऊपर से, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में से। तो यहाँ पे देखिए विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर हमने काफ़ी सारा पकवान बनाया है, तो चलते हैं खाना देते हैं अपने घर वालों को, खिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने चना बनाया इसको चला दे रहे हैं, चने की जो सब्जी बनाई है इसको बढ़िया चला देंगे, इसको देते हैं थाली में। इधर देखिए जो हमने पकौड़े बनाए हैं प्याज और आलू के, इसको भी देते हैं एक एक करके। तो
इसमें देखिए थोड़ा सा हलवा डाल लेते हैं और हमने बनाया पूड़ी, इसको भी डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए थाली मैंने खाने को सजा के बढ़िया से निकाल दिया, अब चलते हैं पापा जी को अपने खाना देते हैं। आपको क्या आइटम रहे? बाबू तुम भी खाओगे? अच्छा ले लो। तो पापा खाना खा रहे, इधर देखिए मम्मी बना रही हैं कोहरौड़ी, इसको बना लेंगी तब खाना खाएंगी। क्या क्या कूटे हो मम्मी इसमें? अभी तो उतैला का दाल है, अदरक है, लहसुन है, मिर्चा है और इसमें गरम मसाला धनिया बाकी है। अच्छा तो ये देखिए कोहरौड़ी बनेगा, जो कि हमारे गांव में सब्जी को और टेस्टी करने के लिए कोहरौड़ी डालते तो सब्जी बड़ा अच्छा लगता है। हींग भी डाला है, हींग भी डाला है। चाहे तरी वाली सब्जी हो चाहे भुजिया हो, जब इसमें कोहरौड़ी पड़ जाता है ना तो सब्जी जो कि बड़ा अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। तो इस तरीके से हमारे घर पे कोहरौड़ी बन रहा है और गांव में भी इस तरीके से बनता है। तो इधर हमने काफ़ी सारा पकवान बनाया है जो कि पापा जी को मेरे बड़ा अच्छा लगा खाने में, और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर इस तरीके से काफ़ी सारा पकवान बनाई है। और अपने बच्चों के साथ फैमिली साथ इंजॉय कीजिए इस त्यौहार का। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बताइएगा दोस्तों। आपको अगले वीडियो मिलते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।